हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आपके और आपके पर्सन के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। और यहाँ पर अगर कुछ सिचुएशन है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, ये सारी बातें इस शिफ्ट में डिस्कस होंगी। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुए हैं, एस ऑफ एयर। तो एक तरह की क्लैरिटी चाहते हैं आपके पर्सन यहाँ पर। ऑफ कोर्स ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही हो सकते हैं गाइस। ट्विन फ्लेम्स के बारे में आज हम रीडिंग्स कर रहे हैं अगेन, क्योंकि कुछ शिफ्ट्स इस तरह से प्रोसीड हो रहे हैं कि आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट पर आ रही है। तो इस वजह से आपके पर्सन भी इस चीज़ को फिगर आउट करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, एक क्लैरिटी ये सीख कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है कॉस्मिक लेवल्स पर, ये क्या चेंज आया है। तो आपके पर्सन क्योंकि इतने ज़्यादा अवेकन नहीं होंगे, दिस पर्सन इज़ योर सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर आपको पेन हुआ होगा, इस पर्सन की वजह से आपने कई सारी तकलीफ़ें उठाई होंगी, बहुत कुछ सफ़र किया होगा। लेकिन इस चीज़ में एक सिल्वर लाइनिंग ये है ना कि इस पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है, इस लाइफ टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपके पैटर्न्स रहे थे, अगर आप याद करेंगे इनसे मिलने से पहले आप किस तरह से बिहेव करते थे, क्या आपके पैटर्न्स रहे हैं, आपकी कुछ आदतें इस तरह से रही होंगी क्यों, जो आपसे छूटती नहीं थी, जिसकी वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया। तो अभी आप में एक ऐसी पर्सनालिटी ग्रो कर गई है इस पर्सन की वजह से कि आप अभी खुद को ग्रांटेड होने नहीं देते किसी के हाथों, है ना। ये एक बहुत ग्रेट चेंज आया है कि अभी आपका कोई एडवांटेज नहीं उठा सकता, क्योंकि इस पर्सन ने ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सिखा दी होंगी बाय गिविंग यू अ ट्रिगर, बाय ब्रेकिंग योर हार्ट। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर ये अब्यूजिव भी रहे हैं आपसे तो तब भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं गाइस। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, लाइक पेन को अगर आप साइड रखकर सिर्फ और सिर्फ इनसे क्या क्या आपको फ़ायदा हासिल हुआ है, क्या क्या आपने यहाँ पर सीखा है, ये इन सारी चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे ना, तो वो आपकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, आपका मतलब एक जो बिहेवियर है टुवर्ड्स योर मैस्कुलिन, वो नहीं आएगा। फाइन, आप ये चीज़ें लर्न करने की कोशिश कीजिए कि आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको क्या क्या सीखने को मिला है इस जर्नी पर, आप अभी क्या हो। फाइन, और आप अपने मैस्कुलिन को इसलिए अप्रिशिएट करोगे कि थैंक गॉड कि इट इज़ यू जो जिसने मुझे इतना सब कुछ सिखाया, वरना मैं हो सकता है एक गलत नेगेटिव पैटर्न फॉलो कर रही थी अपनी लाइफ में, कर रहा था या कर रही थी। फाइन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एस ऑफ एयर की एनर्जीज आपके पर्सन की हैं, इन्हें भी कुछ आभास हो रहा है, इंट्यूशंस इनके साथ भी इन्हें महसूस हो रहे होंगे, कुछ सिरेंडिपिटी या साइंस ये देख रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ तो इनके भी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है जो इन्हें क्यूरियस कर रहा है कि क्या हो रहा है। आइदर ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, पता करना चाहते हैं कि वॉट इज़ रियली गोइंग ऑन, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है इस तरह से, या फिर ये अपने आप को शायद बहुत सारे टेस्टिंग टाइम्स में डालकर देख रहे होंगे कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी। इट टॉक्स अबाउट द जस्टिस गाइस, मतलब एक एहसास जिसको कहते हैं कि कुछ तो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये जो चीज़ है मुझे हॉन्ट करती रहेगी। हो सकता है आप इन्हें हॉन्ट भी कर रहे होंगे, आपकी कुछ बातें जहाँ पर आपने खुद को इनोसेंट बताया है, जो कि आप हो। फाइन, अगर आप इनोसेंट हो तो इस पर्सन को आपकी इनोसेंट से बार बार हॉन्ट कर रही होगी कि मैंने ऐसे पर्सन के साथ कैसे गलत कर दिया और मुझे इस चीज़ को भी सही करना पड़ेगा, वरना मैं इस पेन के साथ या फिर इस बर्डन के साथ मैं लाइफ को आगे परसू नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। फाइन,
तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं आज. और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर थ्री ऑफ वाटर की बनी हुई हैं. तो ऑफकोर्स गाइज यहाँ पर आप एक बहुत ही फ्रेंडली फीलिंग्स में बने हुए हो. मतलब जो भी आएगा आप उसके साथ फ्रेंडली मैनर में बात करोगे. इवन इफ़ योर पर्सन कम्स बैक इनटू योर लाइफ तो आपका माइंडसेट इस तरह से आपने बना लिया होगा कि चलो यार पास्ट के ग्रजेस को छोड़ दो, अभी कुछ नया करते हैं. मतलब एक फ्रेश लेवल्स पर स्टार्ट करते हैं, जो बहुत लाइट एनर्जीज में आप चैनल होना चाहते हो इस पर्सन के साथ कि पिछला अभी नहीं याद करो, जो हो गया सो हो गया, अभी क्या है, प्रेजेंट में हम क्या करना चाहते हैं, तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो इस तरह की एनर्जी आप महसूस कर रहे होंगे. एक फ्रेंडली मूड में है या फिर एक सेलिब्रेटिंग मूड में है. आइदर ये सेलिब्रेशन आपकी खुद के साथ भी हो सकती है कि व्हाट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ. जैसे कि अगर कुछ टाइम से आप खुद को ब्लेम कर रहे थे, डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम में बने हुए थे कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अगर इस तरह के ब्लेम गेम में खुद के साथ आप बने हुए थे, खुद को पेन दे रहे थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ऑल ऑफ अ सडन एक ब्लिस देख रहे हो आप अपने सराउंड के. मे बी यू गाइज आर इन ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द गॉड. आप गॉड से कनेक्टिविटी शायद महसूस कर रहे होंगे, इसलिए सेलिब्रेशन में बने हुए हो कि चलो मुझे गॉड ने इतना कुछ दिया है, मैं इस चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगी या चाहूँगा, रादर पछताने से थिंकिंग अबाउट द स्पिल्ड कप्स वी शुड सी के व्हाट वी हैव राइट नाउ इन आवर लाइव्स. ओके, तो शायद इस तरह की बातें आप सोच रहे हो, इस तरह की कन्वर्जेशंस आप खुद के साथ कर रहे हो, तो वो एक अचानक से ब्लिस महसूस होता है, एक सेलिब्रेटिंग मूड बन जाता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो. और जब कोई इंसान बैलेंस्ड होता है तो वो एक अजीब सी सीरेनिटी आप अपने अंदर सेंस करते हो कि यार मैं तृप्त हूँ, मैं खुश हूँ. और ये जब आप अपने आप से कहते हो ना, ये अफर्मेशंस हैं कि व्हेन यू जस्ट सेंड द ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द यूनिवर्स एंड द गॉड, तो आपके अंदर वो खुद ब खुद एक खुशी महसूस होती है, एक सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं, कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं, वो आप नेचुरली महसूस करना शुरू करते हो. तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करें गाइस, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए. एक बार ट्राई करके देखना, जब आप ग्रैटिट्यूड में आओगे तो आपकी लाइफ किस तरह से शिफ्ट होती है. जस्ट सी दिस, ये मैजिक है ये, और ये बहुत बड़ा राज है यूनिवर्स का कि जब आप यूनिवर्स की तरफ ग्रैटिट्यूड में रहोगे तो यूनिवर्स आपको और ब्लेस करेगा. मतलब आप ही इस चीज़ को समझते हैं ना कि जब आप किसी को कुछ चीज़ दे देते हो और वो आपको थैंक यू बोलता है और बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है, तो आप उसके लिए नेक्स्ट टाइम भी करना चाहोगे, है ना. तो जस्ट लाइक दैट, जब आप किसी के देने पर थैंक यू कहते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो, अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स को आप काउंट करते हो, तो आपको गॉड और ब्लेस करते हैं. यू नो, ये गॉड की तरफ से बनाया गया रूल है कि गॉड आपको और ब्लेस करते हैं. फाइन, तो ये चीज़ आपको समझना होगा गाइस, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ के पैटर्न्स चेंज करने होंगे. आपको हर बार एक पॉजिटिव एनर्जी में या पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहना होगा, भरोसा रखना होगा गॉड पर, गॉड के यू नो नियम पर, तो तब आप एक तरह की पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो. यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हाउ यू जस्ट बिहेव, हाउ यू जस्ट गिव towards the universe, that is going to return back towards you. आप जितना दोगे वही आपको वापस मिलेगा. Universe एक ऐसा मतलब you know concept है, जितना आप दोगे उसका double आपको मिलेगा. Okay? तो ये चीज़ आप सीखें guys, please. ये मैं कहना चाहती हूँ. तो यहाँ पर eventually the chariot and ace of earth की energies appear हुई हैं. It talks about an action, a new beginning. कुछ तो यहाँ पर शुरू हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा जो negative था वो end हो रहा है, पीछे छूट रहा है, conquer कर रहे हो आप obstacle से, जीत रहे हो, and it is a very beautiful energy. ये आपके masculines के लिए भी कहूँगी मैं कि ये भी breakthrough हो रहे हैं बहुत सारे negative patterns से अपने life के. बहुत कुछ ये भी सीख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को कॉन्कर कर रहे हैं. तो एक मैनिफेस्टेशंस
इन्होंने भी रखी होगी, आपने भी रखी होगी, तो वो जो मैनिफेस्टेशंस हैं आप एक दूसरे को वो स्ट्रेंथ देते हुए अचीव कर सकते हो. मतलब एक दूसरे का साथ बनाए रखें, ना तो इन्हें अकेला छोड़े ना खुद अकेले रह जाएं. आप दोनों मिलकर बहुत कुछ इस वर्ल्ड में कॉन्कर कर सकते हो. ये जब जर्नी आपको मिला है तो इसका कुछ मीनिंग है गाइस. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ब्यूटिफुल जर्नी. और जब आपके साथ आपके मैस्कुलिन हैं तो आपको घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. उनकी एनर्जीज के साथ यू कैन जस्ट कॉन्कर दिस होल वर्ल्ड, इज़न्ट इट. तो ये आपसे कहा जा रहा है. इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं. द टावर, हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड द वर्ल्ड. ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं. ऑफ कोर्स आपके पर्सन एक टावो मोमेंट जरूर सेंस कर रहे हैं. दे आर जस्ट सेंसिंग दैट सडनली समथिंग हैज बीन चेंज्ड ऑन कॉस्मिक लेवल्स. तो इसकी वजह से आपके पर्सन एक तरह की ऐसी एनर्जीज में दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सोच रहे हैं. दे आर इन अ थिंकिंग जोन जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपनी विजडम का इस्तेमाल कर रहे हैं. विजडम के साथ साथ जो यूनिवर्स साइंस देता है, डाउनलोड्स देता है, उनको भी शायद ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पर ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है. इसीलिए एस ऑफ एयर की एनर्जीज यही कहती हैं कि दे सीक द क्लैरिटी, दे रियली वॉन्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन. तो इसीलिए आपके पर्सन जानना चाहते हैं, एक तरह की क्यूरियोसिटी में है कि क्या हो रहा है यूनिवर्सल लेवल पर, क्या शिफ्ट हो रहा है जो मुझे इस तरह की फीलिंग फील हो रही है. तो ये बुलावा है आपका आपके पर्सन के लिए. यू नो, आप बुला रहे हो इन्हें कि आ जाओ मेरे पास, हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं. तो ये चीज़ है जो ये हो सकता है सबकॉन्शियसली ऐसे मैसेजेस या ऐसे डाउनलोड्स रिसीव कर रहे हैं गाइस. ऑलराइट, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक जो चीज़ है, इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर कि आपने यूनिवर्सल लेवल पर या कॉस्मिक लेवल पर बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया है कि इस पर्सन की आपके लिए कितनी ज़्यादा एक ज़रूरत है. मतलब इस पर्सन की एनर्जीज की आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है टू अचीव मोर थिंग्स इन टू योर लाइफ, बींग इन टू द सन एनर्जीज, टू कॉन्कर द वर्ल्ड. तो शायद आप एक बिजनेस माइंड रख रहे हो यहाँ पर कि देखो आप अंडरस्टैंड कर चुके हो ना, जर्नीज को समझ चुके हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस पर्सन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपको. आपका हो ना हो कुछ प्लान होगा इन योर लाइफ, और उस प्लान को अचीव करने के लिए आपको इस पर्सन के साथ एक रिकंसिलेशन में आने की ज़रूरत है. यही आप सोच रहे हो कि मैं कैसे रिकनसाइल करूँ अपने पर्सन के साथ. तो मे बी योर इनडिसाइसिव मोड जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वॉट आई शुड डू, वेर आई शुड गो, कैसे यहाँ पर एक शुरुआत लाई जाए. मतलब शुरुआत के बारे में ही आप प्लान कर रहे होंगे. यू रियली वॉन्ट टू अचीव सो मेनी थिंग्स इन टू योर लाइफ. यू आर बींग लाइक बिकमिंग अ मैग्नेट हियर, और आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, और इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू लाइक बींग अ लोन, यू कान डू दिस. ये आप समझ गए हो कि okay, मैं अकेले रहकर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, मुझे वो सपोर्ट चाहिए, मेरा सपोर्ट सिस्टम मुझे ला कर दो. तो शायद इस तरह की एनर्जीज में आप बने हुए हो. एंड इवेंचुअली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द मून, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो हो सकता है गाइस आइदर आप इनकी तरफ कोई एक एक्शन ले लोगे. मतलब चांसेस ऐसे हैं यहाँ पर कि आप कुछ तो इनिशिएटिव लोगे, आइदर आप लोगे या फिर इस पर्सन को इस हद तक आप पुश करोगे टेलीपैथिकली या फिर जनरली भी मैं कह सकती हूँ फोर फ्रंट पर जाकर आप इस हद तक पुश करोगे कि ये पर्सन समझ जाए कि कुछ तो कॉस्मिक लेवल्स पर जो मुझे महसूस हो रहा था वो एक्चुअल में इट इज़ हैपनिंग. तो ऐसे जेस्चर्स अगर आप देना चाहते हो अपने मैस्कुलिन को, एटलीस्ट एक हिंटिंग देना चाहते हो कि यार सच में मैं आपको याद कर रही हूँ या याद कर रहा हूँ, तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट ताकि आपके पर्सन को वो एक ट्रिगरिंग मिले कि ये कुछ करें, ये भी समझें कि इनका आपकी लाइफ में होना कितना ज़रूरी है. एंड वाइस वर्सा आपका भी इनकी लाइफ में होना कितना ज़रूरी है. आप दोनों को कुछ तो अचीव करना है, कुछ कॉन्कर करना है, ऑब्स्टिकल से लड़ना है, तो अकेले नहीं होगा. यहाँ पर इनका साथ चाहिए आपको, एंड वाइस वर्सा उनको आपका साथ चाहिए, है ना.
तो ये चीज़ें हैं गाइस, इसका एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स गाइस कि आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करती हैं और आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड इट मेक्स मी फील इवन बेटर कि मैं आपके लिए डेली यू नो एनर्जीज रीड कर सकूँ। वो एक यू नो एक्साइटमेंट रहता है कि आपके लिए मैं आज भी रीड करूँ। तो आप कमेंट्स का साथ बनाए रखें और ज़रूर आप यहाँ से बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे गाइस। तो ज़रूर इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।